राम राज साकार होठे, राम राज साकार होठे, कलयुग सतयुग बन जाए। ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु, स्वर्ग धरा पर आ जाए। राम राज साकार होठे, राम राज साकार होठे। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। विकसित हो विश्वास सरों में, श्रद्धा सुमनों की माला। दैहिक दैविक भवतापों से, दैहिक दैविक भवतापों से, सब मानव मुक्ति पाए। राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। चल उठे भाईचारा, गांव गांव की गली गली में चल उठे भाईचारा। नगर नगर की डगर डगर में गूंजे एकता का नारा। उमड़ घुमड़ बादल शांति का, नभ मंडल में छा जाए। राम राज साकार हो, राम राज साकार हो। Thank you.
का और विषमता की खाई विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई अखिल विश्व बंधुत्व भाव की बाजे घर घर शहनाई करुणा की मुक्ता मणियों से करुणा की सिंधु उफ ना जाए राम राज साकार हो राम राज साकार हो चल उठे पुरवाई सत्संगति समीर की शीतल मंद चल उठे पुरवाई चार पदारथ मकरंद गंध से झूम उठे मन अमराई कोकिल कंठों से फूटे श्रुति कोकिल कंठों से फूटे भजनों की स्वर धाराएं सतयुग बन जाए ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु ऐसी कृपा दृष्टि कर दो प्रभु स्वर्ग धरा पर आ जाए राम राज हो राम राज हो राम राज Bye-bye.
अंतःकरण में आज प्रकट हो जाइए, दीन दुखियों के प्रति संवेदना छलकाइए, करुणा स्वरूप तुम्हारा त्रस्त हृदयों को शीतल करे, दानव दमन कर काली रूप निष्प्राण समाज में प्राण भरे, आवाहन देते तुमको माँ ले ज्ञान खड़ग अवतार धरो, अपनी दिव्य ज्योति का जागरण हर घट में आज करो, अपनी दिव्य ज्योति का जागरण हर घट में आज करो। ऐसी प्रार्थना और समाज कल्याण हेतु निस्वार्थ भावना से अप्लावित हो माँ जगदम्बा के आशीर्वाद से और गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की असीम अनुकंपा से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान आपके मध्य 7 दिवसीय श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ को लेकर उपस्थित हुई है। आइए सर्वप्रथम उस परम सत्ता के श्री चरणों में एक बुलंद जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए राज राजेश्वरी माँ जगदम्बा भवानी की जय, उमापति महादेव की जय, सियावर रामचंद्र महाराज जी की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय, युगांतकारी गुरुदेव ब्रह्म ज्ञान प्रदाता सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। माँ के इस भव्य एवं दिव्य दरबार में उपस्थित हम समस्त भक्त श्रद्धालु जनों का हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं और साथ ही मंच पर आसीन परम पूजनीय गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या आदरणीय कथाव्यास महामनस्विनी साध्वी सुश्री अदिति भारती जी का आप सभी की ओर से हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। देवियों और सज्जनों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एक सामाजिक एवं आध्यात्मिक संस्था है जो युगांतकारी गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी के दिव्य मार्गदर्शन में विश्व भर में बहुत ही वृहद स्तर पर विभिन्न आध्यात्मिक एवं सामाजिक कार्यों द्वारा जन जन के भीतर जागृति का बिगुल बजा रही है। आज करोड़ों लोगों ने गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी की कृपा से उस ब्रह्म ज्ञान के अमोघ अस्त्र द्वारा अपने घट के भीतर उस ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार कर उस परम शांति का अनुभव किया है। As per the records, millions of people have been benefited through the series of divine activities of the organization. और यह भव्य श्रीमद देवी भागवत ज्ञान यज्ञ का समारोह जो आप देख रहे हैं ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी है। इस आधुनिक समाज में जब संस्थान इन आध्यात्मिक कथाओं को लेकर उतरता है तो अक्सर लोग हमसे प्रश्न करते हैं कि आज के समाज में, आज के समय में इन हजारों हजारों वर्षों पूर्व घटित कथाओं का, इन हजारों हजारों वर्षों पूर्व लिखित ग्रंथों का क्या लाभ, क्या महत्व।
सज्जनों, एक बार एक फॉरेन कंट्री में श्री राम कथा का वाचन कर रहे स्वामी विवेकानंद जी से भी किसी ने यही प्रश्न किया। उस व्यक्ति ने स्वामी जी को बीच में रोकते ही हुए ही पूछा, स्वामी जी, ये जो राम कथा का वाचन कर रहे हैं, ये हजारों हजारों वर्षों पूर्व घटित हुई कथाएं घटनाएं, आज के समय में इनका क्या लाभ, क्या आवश्यकता? उस समय स्वामी विवेकानंद ने उस व्यक्ति की बात को नजरअंदाज किया और वो पुनः कथा को बांचने लगे। किंतु कथा खत्म होने के उपरांत स्वामी विवेकानंद उस व्यक्ति के पास गए, उसकी ओर मुख किया और उसे अपशब्द कहने लगे। स्वामी जी कुछ क्षण उसको अपशब्द कहते रहे और उसके बाद वहां से चल दिए। स्वामी जी के मुख से इस प्रकार अपने लिए अपमानजनक शब्दों को सुनकर वह व्यक्ति हक्का बक्का रह गया। क्रोध में तमतमाता हुआ वो स्वामी जी के पीछे दौड़ पड़ा और उनका मार्ग रोकते हुए बड़े ही रूखे स्वर में कहने लगा, स्वामी जी, आपने मुझे इस प्रकार अपमानजनक शब्द क्यों कहे? आपने मेरा इस प्रकार अपमान क्यों किया? स्वामी जी ने बड़े ही सहज भाव से उत्तर दिया, बंधु, मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों का आप पर कितना प्रभाव हुआ, मेरे द्वारा कहे इन अपमानजनक शब्दों का आप पर कितना प्रभाव हुआ, तो सोचिए, प्रभु श्री राम की कथा, प्रभु श्री राम के आदर्शों से, उनके प्रेरणादायी चरित्र से सुसज्जित यह महान कथा, ये लोगों के जीवन पर कितना शुभ और सकारात्मक प्रभाव डालेगी। सज्जनों, यह आध्यात्मिक कथाएं हमारे आत्मिक उत्थान के लिए अत्यंत अधिक आवश्यक हैं। फॉर द स्मूथ जर्नी एंड एवोल्यूशन ऑफ आवर सोल, सच काइंड ऑफ प्रोग्राम्स आर अ नेसेसिटी, दे आर द नीड ऑफ द आवर। और ऐसी ही आध्यात्मिक कथाओं को लेकर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान समय समय पर विश्व भर में पहुंचा है, समाज के बीच में उतरा है और एक युग, एक क्रांतिकारी परिवर्तन का आगाज कर रहा है। सज्जनों, यह जो कथा आप देख रहे हैं, यह कथा अति विलक्षण है। यह कथा आप श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ पूर्ण सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी के तत्वाधान में उनके ब्रह्म ज्ञानी शिष्या साध्वी सुश्री आदिति भारती जी के मुखारविंद श्रवण करेंगे। वह उस दैवी शक्ति से एकाकार हो इस महान ग्रंथ में निहित अनेक आध्यात्मिक बहुमूल्य रत्नों को आपके समक्ष उजागर करेंगी। यह जो संगीतज्ञ संत समाज आप मंच पर देख रहे हैं, यह सभी ब्रह्म ज्ञान के साधक हैं। यह उस ईश्वरीय शक्ति से एकाकार हो आत्मा को आनंदित कर देने वाले सुमधुर भजनों को आपके समक्ष रखेंगे। इसीलिए यह कथा अति अति विलक्षण है। और आइए, इसे पूर्व की हम आज की इस अति विलक्षण कथा को श्रवण कर सके, हम आपको बताना चाहेंगे कि आदरणीय कथाव्यास साध्वी सुश्री आदिति भारती जी, शी इज बीएससी ऑनर्स इन जूलॉजी, शी हैज अ गोल्ड मेडलिस्ट इन एमएससी एनवायरमेंटल साइंस, शी हैज वर्कड फॉर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड करंटली शी इज हेडिंग द संरक्षण प्रोजेक्ट ऑफ दिव्य ज्योति जागृति संस्थान। लेकिन साध्वी जी का कहना है कि उनका सबसे बड़ा परिचय है कि वो युग पुरुष, युग प्रणेता सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की शिष्या हैं और उन्हीं की प्रेरणा और उन्हीं के आशीर्वाद से इस कथा को आपके समक्ष रखेंगे। आइए, अब आप सभी की ओर से हम आग्रह करना चाहेंगे कि साध्वी जी से कि वो आज के इस कथा प्रसंग को हमारे समक्ष रखें। एक बुलंद जय घोष प्रभु के श्री चरणों में अर्पित करेंगे। बोलिए, माँ जगदम्बा की, उमापति महादेव की, सदगुरु श्री आशुतोष महाराज जी की, साचे दरबार की जय। उपस्थित माँ के प्रिय भक्तों, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से आप सभी का इस श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ के दिव्य प्रांगण में मैं हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। भक्तजनों, ये हमारा परम सौभाग्य है कि आज हम उस अनुष्ठान में सम्मिलित हुए हैं जिसने हर युग में भारतीय भूमि को, भारत की इस दिव्य भूमि को उस अध्यात्म के ओज से प्रकाशित रखा है। यज्ञों में श्रेष्ठ ज्ञान यज्ञ ही है जिसने हर काल में
भटकी हुई मानवता को सुपथ की राह दिखाई है और ये हमारे जीवन का स्वर्णिम पल है जब हमारे जीवन में वही महान अनुष्ठान हो रहा है। भक्तजनों, यज्ञ की एक परंपरा है। हर यज्ञ उसमें चार ऋत्विजों का होना बहुत अनिवार्य है, होता, अद्वर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा। होता वह जो यज्ञ की अग्नि को प्रज्वलित और पोषित करने के लिए उसमें काष्ठ, घी और समिधा का प्रवाह करता है। अद्वर्यु वह जो यज्ञ की वेदी और सामग्री को सुनियोजित करता है। उद्गाता वह जो वेद मंत्रों का उच्चारण कर इस यज्ञ का निर्वाह करते हैं। और इन चारों ऋत्विजों में सबसे महत्वपूर्ण ब्रह्मा, जो होता, उद्गाता और अद्वर्यु इन तीनों का मार्गदर्शन करते हैं। और वह अगर इस यज्ञ में ना हो तो न ही ये ज्ञान यज्ञ या यज्ञ प्रारंभ होता है और ना ही कभी संपन्न हो सकता है। इसलिए भक्तजनों, यूं तो चारों ऋत्विज महत्वपूर्ण हैं, परंतु विशेष स्थान है यज्ञ के ब्रह्मा का। और यज्ञ की परंपरा का निर्वाह करते हुए ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ज्ञान यज्ञ, इसे भी आपके समक्ष चार ऋत्विज लेकर आए हैं हमारे आदरणीय यजमान। इस यज्ञ के होता, जिन्होंने समाज कल्याण की भावना को आगे रखते हुए इस महान ज्ञान यज्ञ का संकल्प उठाया। अद्वर्यु, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के साथ जुड़े हुए असंख्य निस्वार्थ कार्यकर्ता जिन्होंने इस पंडाल को, इस कार्यक्रम को सुनियोजित किया है। उद्गाता की भूमिका निभाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है हम सभी ब्रह्म ज्ञानी सन्यासियों को, जिन्हें आप मंच पर देख रहे हैं। हम आपके समक्ष केवल आध्यात्मिक ज्ञान का शाब्दिक वाचन नहीं करेंगे, अपितु आपके समक्ष ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर अध्यात्म की गहराई में उतर कर जो अनुभव हमने प्राप्त किए हैं, निस्वार्थ भाव से उसे इस यज्ञ के हेतु अर्पित करेंगे। परंतु इन सब के पीछे जो कार्य कर रहे हैं, वह जो निस्वार्थ भावना के शिखर हैं, जिन्होंने अपने आध्यात्मिक ओज से इस संपूर्ण धरा को इस समय पर आलोकित किया है, जो इस संपूर्ण यज्ञ के ब्रह्मा हैं, वह सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के संस्थापक एवं संचालक, उन्हीं की कृपा के माध्यम से आप तक यह ज्ञान यज्ञ पहुंच रहा है। आने वाले 7 दिवसों में जो कुछ भी आप इस मन से श्रवण करेंगे, जैसा भी गायन आप यहां से श्रवण करेंगे, उस सब के पीछे सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की शक्ति, उनकी प्रेरणा, उनका ज्ञान, उनका विज्ञान वही कार्य कर रहा है। इसीलिए इस महान अनुष्ठान का प्रारंभ करते हैं उन्हीं क्रांति पुरोधा, युग प्रवर्तक, ब्रह्म ज्ञान प्रदाता, इस यज्ञ के ब्रह्मा सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी के चरणों में एक भावपूर्ण वंदन अर्पित कर। A wandering soul attains you. It is our great fortune to have found you, O Master, O Master of Masters. We pay our humble salutations at your lotus feet, for you are the door of redemption, for you are the door of emancipation, for you are the door of ultimate liberation. Guru Be Namaha.
ही समस्त ज्ञान के पुंज हैं, आप ही के श्री चरणों में हम कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्या त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते, नारायणी नमोस्तुते। हे माँ, आप जो समस्त मंगलों की करने वाली महामंगला हैं, हे माँ आप जो कल्याणदायिनी शिवा हैं, आप जो सदैव अपनी संतानों का मार्गदर्शन करने के लिए तत्पर रहती हैं, आप जो अपने तीनों नेत्रों से गौरी रूप में अपनी कृपा दृष्टि इस संपूर्ण धाराधाम के वासियों पर बनाए रखती हैं, हे माँ आप ही के श्री चरणों में हम अपना वंदन अर्पित करते हैं, आप ही के शरणागत को प्राप्त कर अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं। हे माँ अपनी कृपा दृष्टि हम पर भी बनाइए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आपकी ये संतानें आप ही के चरणों में कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं, कोटि कोटि नमन अर्पित करती हैं। बोली आदि शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बिका की जय, माँ अम्बा भवानी की जय, माँ रेणुका की जय, सद्गुरु सर्वश्री आशुतोष महाराज जी की जय, सांचे दरबार की जय। माँ के प्रिय भक्तों, माँ की महिमा को श्रवण करने के लिए आप यहाँ आए हैं, वह माँ उनकी महिमा अनंत हैं, अनंत हैं उनकी कृपाएं, अनंत हैं उनकी लीलाएं। किसी वक्ता में, किसी शास्त्र में, काल के किसी भी पड़ाव में ऐसा सामर्थ्य नहीं कि वह उस अनंत रूपिणी माँ की महिमा को बांध सके। मेरा ये कंठ माँ की महिमा को गाते गाते अवरुद्ध हो सकता है, आपके ये श्रवण माँ की महिमा को सुनते सुनते थक सकते हैं, ये संपूर्ण काल चक्र उसका लय हो सकता है, परंतु अनंत रूपिणी माँ जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त हैं, उनकी महिमा का कोई अंत नहीं, उनकी महिमा का कोई पार नहीं। कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का अनुग्रह है हम पर, उनकी कृपा है हम सब पर कि उन्होंने अनंत रूपिणी माँ के अनंत चरित्रों को श्रीमद देवी भागवत महापुराण के माध्यम से हम सबको प्रदान कर दिया। भक्तजनों, ये दिव्य ग्रंथ है, एक ऐसा महान ग्रंथ जो उस भगवती की महिमा को हमारे समक्ष लेकर आ रहा है, परंतु इस श्रीमद देवी भागवत महापुराण को लेकर लोगों के बीच में बहुत सी भ्रांतियां हैं। कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं ये तो मात्र एक उपपुराण है, इसे महापुराण कहना सही नहीं। वहीं कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि ज्ञान का कोश संपूर्णता को तब तक प्राप्त नहीं करता जब तक श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा एक व्यक्ति, एक जिज्ञासु श्रवण ना कर ले। बहुत से लोग आकर हमसे प्रश्न करते हैं, क्या ये ग्रंथ है भी? अवश्य ये ग्रंथ है, भले ही बहुत से मत विद्वानों के हैं, लेकिन जिन्होंने इसकी रचना की है, वह जो इसके लेखक हैं, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, क्यों ना उन्हीं का मत इस ग्रंथ के बारे में जाना जाए। भक्तजनों, कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने जब ये ग्रंथ लिखा तो उन्होंने इसके शीर्षक का नाम क्या दिया? शीर्षक में ही इसे महापुराण की संज्ञा दे दी। चाहे कोई कितनी भी बुद्धि लगाए कि ये उपपुराण है या महापुराण है, परंतु कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी का मत स्पष्ट है, उन्होंने इसे महापुराण कहा। और इसकी महिमा गाते हुए क्या कहते हैं? यथा सरित्सु प्रवरा गंगा देवेशु शंकराहा काव्यं रामायणं यद्वा ज्योतिष्मत्सु यथा रवि आलादका नाम चंद्रश्च धनांश यथा यशः क्षमावतांग यथा भूमिर गांभीर्यो सागरो यथा मंत्राणाम चैव सावित्री पाप नाशे हरि स्मृति अष्टादश पुराणानाम
देवी भागवतम तथा वह कहते हैं जिस प्रकार सरिताओं में गंगा जी का स्थान है, जिस प्रकार देवों में भगवान शंकर का स्थान सर्वोच्च है, सभी काव्यों में रामायण का स्थान है, सभी प्रकाशकों में सूर्य देव महानता को प्राप्त करते हैं, आह्लाद प्रदान करने वालों में चंद्रमा की महिमा गाई जाती है, तो यश प्रदान करने में धन की महिमा गाई जाती है, वहीं क्षमाशीलों में भूमि की महिमा सबसे अधिक है और गंभीरता में सागर के सामने कोई नहीं टिकता, मंत्रों में गायत्री की महिमा श्रेष्ठ है और पाप नाश के उपायों में हरि का भजन उनकी स्मृति सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक ऐसे ही 18 पुराणों में देवी भागवत महापुराण का स्थान सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है, यह कहना है कृष्ण द्वैपायन वेदव्यास जी का। परंतु केवल भावनाओं में बहकर उन्होंने ऐसा नहीं कहा, इसके पीछे बहुत से तथ्य हैं। चलिए हम 3 तथ्यों को ही उठाते हैं जो इसकी महानता को प्रमाणित करते हैं, जिसकी यूनिकनेस को हमारे सामने रखते हैं। सर्वप्रथम, पुराण की कुछ क्वालिफिकेशंस होती हैं। कोई भी पुस्तक, कोई भी लेखन पुराण कह पाए उसके लिए उसके भीतर 5 विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके गुण होने चाहिए। ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? सबसे पहले सर्ग प्रतिसर्ग वंशानुचरितम वंश और मनवंतर, ये 5 गुण होने अति आवश्यक है। अब आप सोच रहे होंगे ये 5 गुण क्या हैं? ये 5 पक्ष हैं जिनका ज्ञान एक पुराण प्रदान करता है। सर्ग प्रतिसर्ग अर्थात नॉलेज ऑफ कॉस्मोगोनी, नॉलेज ऑफ कॉस्मोलॉजी, वंश नॉलेज ऑफ लीनेज ऑफ सेजेस, सभी संतों की महापुरुषों की जो लीनेज चलती आ रही है उसका ज्ञान। वंशानुचरितम अर्थात जो राजा हुए जिनके जीवन के अलग अलग वृतांत समय समय पर हुए उनके जीवन की घटनाओं का वर्णन। मनवंतर साइकिल ऑफ एजेस, सत्ययुग कलयुग अलग अलग ये जो युग हैं इनकी गाथाएं इस मनवंतर के भीतर आती हैं। और ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स जब किसी पुस्तक में होते हैं तभी वो क्वालिफाई करता है और उसे पुराण कहा जाता है, तभी वो क्वालिफाई करता है और उसे पुराण कहा जाता है। भक्तजनों, श्रीमद देवी भागवत महापुराण एक ऐसा ग्रंथ है जो इन 5 क्वालिफिकेशंस को पार करता है। और जानते हैं इसे वैज्ञानिकों ने, तत्वचिंतकों ने और विदेशी फिलोसोफर्स ने क्या कहा है? उन्होंने इस पुराण को एक एनसाइक्लोपीडिया कहा है, एक एंशिएंट एनसाइक्लोपीडिया जिसके भीतर विश्व का, मानव जीवन से जुड़े हर प्रश्न का समूल ज्ञान समावेश प्राप्त करता है। इसे भक्तजनों, ये ग्रंथ कोई साधारण नहीं है। जिस ग्रंथ की गाथा हम श्रवण करने जा रहे हैं वो सब कुछ हमें प्रदान करने आया है, जीवन के हर प्रश्न का हमें उत्तर देने आया है। और वह जो हर शास्त्र का प्रयोजन हुआ करता है उस प्रयोजन को हमारे जीवन में सार्थक करने आया है। क्या है हर शास्त्र का प्रयोजन? हर शास्त्र का प्रयोजन है सर्वशास्त्र प्रयोजनम आत्मदर्शनम। सभी शास्त्रों का एक ही प्रयोजन है आत्मदर्शन, और ये श्रीमद देवी भागवत महापुराण उस आत्मदर्शन को कैसे प्राप्त करें उसी ज्ञान को हमारे समक्ष लेकर आया है। दूसरा तथ्य जो इसकी महानता को हमारे समक्ष रखता है, आज इस कली काल में जहाँ असंख्य ग्रंथों का वाचन हो रहा है, जहाँ बहुत से मतभेद हैं ईश्वर के संदर्भ को लेकर, वहाँ पर श्रीमद देवी भागवत महापुराण कम्स एज अ सागा ऑफ यूनिटी विच ब्रिंग्स टुगेदर ऑल द डाइवर्सिटी अमंगस्ट वन हेड दैट इज शक्ति। उस माँ भगवती के चरित्र के भीतर इस सृष्टि की विविधता को बांधता है ये ग्रंथ। इसीलिए ये ग्रंथ सभी धारणाओं का, सभी मान्यताओं को लेकर एक उस शक्ति की महानता को हमारे समक्ष रखता है और हमारे भीतर पनपने वाले सभी भेदों का समूल नाश करता है, इसीलिए इसकी महिमा है। और साथ ही साथ जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, जिस कारण को स्वयं वेदव्यास जी ने आगे रखा, वह था
ये कलिकाल, कलिकाल के लिए विशेष कर लिखा गया है ये ग्रंथ। कलिकाल में वेदव्यास जी ने देखा लोग धर्म आचरण को भूल जाएंगे, बहुत सी मान्यताएं पनपने लगेंगी, उनकी आयु अल्प हो जाएगी। इसीलिए इस सब को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का निर्माण किया और इसमें जीवन के सभी रहस्यों को मानव के समक्ष रख दिया, एक ऐसे संबंध के माध्यम से जिस संबंध को हर व्यक्ति प्रिय मानता है, जिस संबंध का विशेष स्थान है एक मानव के जीवन में, वो संबंध कौन सा है भक्तजनों? जिसके आंचल में खिलती है जीवन की कली, जिसकी उंगली पकड़कर चलना सीखती है जिंदगी, जो साथ है तो आसान लगती है हर डगर हर गली, जिसकी एक मुस्कान भर देती है कदमों में गति, जिसकी तुलना में हर वस्तु छोटी है, जिसकी महिमा अनंत कोटि है, वह कोई और नहीं वह माँ है, वह माँ ही है जिस जो सबसे प्रिय संबंध एक मानव का हुआ करता है। भक्तजनों वो माँ ही तो होती है जो अपना निस्वार्थ प्रेम अपनी संतानों पर लुटा देती है, वह माँ ही तो होती है जो 9 माह तक उस पीड़ा को सहती है, प्रसव पीड़ा को सहती है, परंतु अपनी संतान को जन्म देती है और उसका एक झलक देखकर इतना प्रसन्न हो जाती है कि अपनी सारी पीड़ाओं को भूल जाती है। वो माँ ही तो है जो स्वयं गीले बिस्तर पर सोना स्वीकार कर लेती है लेकिन अपनी संतान को सुखा स्थान देती है। वो माँ ही तो है जो अपना सर्वस्व अपनी संतान के पालन पोषण के लिए लुटा देती है। भक्तजनों उस माँ का प्रेम ही निस्वार्थ रूप से बहता है एक संतान की जीवन में और उसे वो बना देता है जिसकी महिमा फिर सब लोग गाते हैं। भक्तजनों यहाँ पर मुझे एक दृष्टांत याद आता है, थॉमस एल्वा एडिसन के जीवन की घटना है। आप सब जानते हैं थॉमस एल्वा एडिसन कौन है, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया, एक महान इन्वेंटर हुए। वो जब 8 वर्ष के थे तब एक दिन दौड़ते दौड़ते स्कूल से घर लौटे और उन्होंने अपनी माँ के हाथ में एक पत्र थमा दिया। माँ को कहा, माँ ये मेरी टीचर ने पत्र दिया है आपके लिए। आज माता ने जैसे ही पत्र खोलकर पढ़ना प्रारंभ किया, पढ़ते पढ़ते उनके नेत्रों से अश्रु धारा प्रवाहित होने लगी। जैसे ही थॉमस ने देखा मेरी माँ रोने लगी है, माँ के पास जाकर पूछने लगा, माँ तुम क्यों रो रही हो? माँ ने मुस्कुराते हुए अपने पुत्र के मस्तक पर हाथ फेरा और कहा, पुत्र इसमें लिखा है Your son is a genius and our school is not enabled enough to teach a genius. So teach him at home from tomorrow. जैसे ही थॉमस एल्वा एडिसन ने ये शब्द सुने प्रसन्न हो गए। अगले दिन से माँ ने पूरी व्यवस्था कर ली, अपने बालक को खुद पढ़ाने लगी, उसको पढ़ाने के लिए सारी व्यवस्था को सुनियोजित कर दिया। समय बीतता गया, थॉमस एल्वा एडिसन बड़े हो गए, वो एक महान इन्वेंटर बन गए, परंतु उनकी माँ का देहांत हो गया। समय बीता और एक दिन ये महान इन्वेंटर इसके मन में आई कि क्यों ना आज अपनी पुरानी यादों को ताज़ा किया जाए। अपना पुराना सा एक ड्रॉअर खोला और उसमें से सामान निकाल रहे हैं, देख रहे हैं, अपनी माँ के साथ बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं, अपने पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहे हैं और तभी उनके हाथ में लगता है एक पत्र। उस पुराने से कागज को खोलकर जब देखते हैं तो उसे पढ़कर फूट फूट कर रोने लगते हैं, क्योंकि उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था, योर सन इज मेंटली इल, डोंट सेंड हिम टू स्कूल फ्रॉम टुमारो। ये वही पत्र था जो उनके टीचर ने उनकी माँ के लिए भेजा था। आज जब थॉमस एल्वा एडिसन ने ये शब्द पढ़े, घंटों बैठकर फूट फूट कर अपने केबिन में रोते रहे और उसके बाद उन्होंने अपनी डायरी निकाली और उस डायरी में लिखा, आई थॉमस एल्वा एडिसन वॉज अ मेंटली इल चाइल्ड बट बाय द ग्रेस ऑफ अ सुपर हीरो मदर आई हैव बिकम द इन्वेंटर ऑफ सेंचुरी। भक्तजनों ये है माँ का प्रेम, ये है उनका समर्पण, ये है उनकी कुर्बानी अपनी संतानों के लिए,
अपना सर्वस्व लुटा देती है, अपना सब कुछ अर्पित कर देती है ताकि उसकी संतानें आगे बढ़ सके। खुद सदैव पीछे रहती हैं, परंतु अपनी संतानों को अपने स्नेह से सींचती है। भक्तजनों, जरा सोच करके देखिए, जिसने इस संसार में रहने वाली माता के भीतर इतने श्रेष्ठ भाव भरे, वह जो इस संसार की जननी है, जो इस जगत की जननी है, जिसने इस व्यष्टि रूपी माता के भीतर अपना स्नेह प्रवाहित किया, वो समष्टि रूपी माता कितना प्रेम करती होगी हमसे, वो कितना प्रेम लुटाना चाहती है हम पर। इसीलिए तो उन्होंने श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का निर्माण स्वयं किया, अर्धश्लोकी देवी भागवत के रूप में इसे प्रकट कर दिया। वेदव्यास जी ने तो सिर्फ उसका विस्तार किया था। मां चाहती है अपनी संतानों का मार्गदर्शन करने, इसीलिए उन्होंने इस दिव्य ग्रंथ को हमारे लिए प्रदान किया, क्योंकि वो मां ही है जो इस कली काल में जहां मानव निष्क्रिय हो गया है, जहां गंदगी ने उसके अस्तित्व को घेर लिया है, वो मां ही है जो अपने गंदे बच्चे को भी अपने आंचल में समेट लेती है, वो मां ही है जिसके भीतर वो शौर्य पनपता है और उस शौर्य से वो अपनी संतान की हर परिस्थिति में रक्षा कर लेती है। ये इस कली काल की मांग है कि हमारे भीतर फिर एक बार स्नेह और संवेदना जागृत हो, हमारे भीतर एक बार फिर वो शौर्य जाग जाए जिससे हम अपने समाज के इस गंदे होते प्रांगण को स्वच्छ कर लें। इसीलिए माँ की कथा अनिवार्य है, इसीलिए देवी भागवत महापुराण का वांचन अनिवार्य है, क्योंकि जब वह माता जीवन में आएगी, वह माँ जिसे देवी कहा जाता है, उसका अर्थ क्या है देवी का? संस्कृत के दिव्य धातु से निकला है ये शब्द, जिसका अर्थ है आलोक, प्रकाश, ज्योति। जब वह देवी जीवन में आती है तो वो एक मानव के जीवन को भी प्रकाशित कर देती है, और जब सब मिलकर उस माता का आवाहन इस धरा पर कर लेंगे तो फिर ये धरा अंधकार में डूबी नहीं रहेगी, ये प्रकाशित हो जाएगी। और इसीलिए ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का ज्ञान यज्ञ अनिवार्य हो जाता है इस कलिकाल के लिए। भक्तजनों, उन माँ की महिमा को हम यूं तो शब्दों में नहीं बांध सकते, परंतु यहाँ बैठे हैं, क्या ये कृपा उनकी कम है? क्या ये उनकी महिमा कम है कि उन्होंने हमें स्वयं यहाँ बुला लिया अपने सानिध्य में, जिस अनंत रूपिणी माँ के चरणों में बैठे हैं? आइए, विलंब नहीं करते, अपने टूटे फूटे शब्दों में ही सही, अपने हाथों की तालियों से ही सही, उस माँ को पुकारते हैं, उन माँ के चरणों में अपने भावों को अर्पित करते हैं और एक ही प्रार्थना करते हैं। हे माँ, हम कलुषित हृदय को लेकर आए हैं, हमने अपने इस सामाजिक प्रांगण को बहुत खराब कर लिया, परंतु अब तुम हमारे घर के भीतर ऐसी ज्योति जगा दो जिससे ये सारी धरा महका जाए, जिससे ये सारी धरा मुस्काए, तुम्हारा वंदन करे, तुम्हारे गुणों से सुसज्जित हो जाए, तुम्हारे ज्ञान से प्रकाशित हो जाए। हे माँ, हमारे जीवन में अपनी अनंत कृपा का प्रवाह कर दो, हमें भी अपना कृपा पात्र बना लो। भक्तजनों, आइए अपने संपूर्ण भावों को माँ के चरणों में अर्पित करते हैं, अपनी इस रसना को माँ की महिमा से पवित्र करते हैं। सारा जग मुस्काए जिससे ऐसी ज्योत जगा दो। Oh,
प्रभा किरणों से
बोलिए आदिशक्ति माँ भवानी की जय, माँ अंबा देवी की जय, माँ एकवीरा देवी की जय, संत गजानन महाराज की जय, संत राजचंद टुकड़ो जी महाराज की जय, संत गाड़गे बाबा की जय, मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। उपस्थित भगवत प्रेमियों, भारतीय सनातन पुरातन संस्कृति की एक परंपरा दीप प्रज्वलन, और इस परंपरा को निभाते हुए आज कथा के प्रथम दिवस हमारे बीच कुछ गणमान्य अतिथिगण पधारे हुए हैं। मैं सर्वप्रथम दिव्य ज्योति जागृति संस्थान एवं दिव्य ज्योति परिवार की तरफ से उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं, और उनसे निवेदन करता हूं कि जिन भी गणमान्य अतिथि गणों का मैं नाम पुकारूं, कृपया वो इस दीप पुराण के इस पुरातन परंपरा का निर्वाह करने हेतु कृपया मंच के समक्ष आएंगे। उनमें हैं श्री अनंतराव गोड़े जी, भूतपूर्व खासदार अमरावती क्षेत्र, श्री विलास भाऊ इंगोले, माजी महापौर अमरावती महानगरपालिका, श्री बबलू भाऊ शेखावत, विरोधी पक्ष नेता मनपा अमरावती, श्री राजेंद्र महल्ले, माजी नगर सेवक मनपा अमरावती, श्री चंदू भाऊ देशमुख, राज्य पदाधिकारी राष्ट्रवादी कांग्रेस, श्री जगदीश भाऊ बोंडे, जिलाध्यक्ष शेतकरी संगठना व स्वतंत्र भारत पक्ष, सौ जयश्री ताई दहाके, नगर सेविका अमरावती मनपा, डॉक्टर श्री हितेश अड़तिया जी, आपसे भी निवेदन है। आप सभी उपस्थित गणमान्य अतिथिगणों का हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। इनके साथ साथ कथा के मुख्य यजमान, मुख्य तौर पे श्री वसव चंद्र कुमार जी जदोदिया रूपलपी भैया, श्री वसव श्यामराव रंधई, श्री वसव राजेश शिवहरे एवं श्री वसव नितिन जी गेही, आप सभी से निवेदन है कृपया दिव्य प्रज्वलन की पुरातन परंपरा का निर्वाह करने हेतु कृपया मन के समक्ष पधारें। बोलिए माँ जगदम्बे भवानी की जय, सच्चे दरबार की जय, गुरुदेव सर्वश्री आशुतोष महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। भक्तजनों, ये गाथा श्रीमद् देवी भागवत महापुराण, ये माँ की अनुपम गाथा हमें हमारे जीवन के उत्कर्ष की ओर लेकर जाने आई है। आज हम किसी शाब्दिक कथा के वांचन का प्रारंभ नहीं कर रहे, अभी तो आज इस गाथा के साथ हम एक आरोहण यात्रा का प्रारंभ कर रहे हैं। आरोहण इस जीवन का, आरोहण इन विचारों का, आरोहण व्यक्तित्व के शिखर को प्राप्त करने का। वी आर गोइंग टू स्टार्ट एन एम्पावरिंग जर्नी ऑन विच ऑन दिस जर्नी द प्रोफाउंड मैसेज गिवन बाय द गॉडेस इज गोइंग टू बी आवर गाइडिंग फोर्स।